मोहब्बत हो या नफरत, मुहावरों की भाषा खूब काम आती है, पर कई दफा ये बात ऐसी मीटिंग में बोल दी जाती है कि कुछ एक बरस बाद सुर्खियों में तब्दील हो जाती है। इस सुर्खी के नायक देश के प्रधानमंत्री और देश के रिजर्व बैंक के कर्ता धर्ता हैं, ऐसा दावा है। और ये दावा किसी चंडू खाने की गप नहीं है, एक शीर्षस्थ नौकरशाह की किताब से उपजा है। देश के प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक के गवर्नर को सांप कहें मुहावरों की भाषा में, पर कहा तो मीटिंग थी, एक संदर्भ था, नाराजगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गवर्नर उर्जित पटेल, ऐसे में आप इस किताब को, इसके लेखक को और इसके दावों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। एक नई किताब आई है, वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, लिखने वाले हैं सुभाष चंद्र गर्ग, जो भारत के वित्त सचिव रहे हैं। क्योंकि ये किताब अभी रिलीज नहीं हुई है तो हमने संपर्क किया किताब के प्रकाशक हार्पर कॉलिंस से। हमने किताब पढ़ी, जब मैं कह रहा हूँ हमने तो हमारे साथी दीपक तेनगुरिया ने, जो कि लल्लन टॉप में किताबों का सेक्शन संभालते हैं, पढ़ी। और फिर आपके लिए हम लेकर आए कुछ दिलचस्प किस्से। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। पॉलिटिकल किस्से वापस आ चुके हैं, जिसकी पहली किश्त में आप इस किताब के हवाले से सुनेंगे कुछ बातें। सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी किताब में दावा किया है कि साल 2018 में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब के RBI गवर्नर उर्जित पटेल को पैसों के ढेर पर बैठा सांप बता दिया था। इस मीटिंग में मोदी के अलावा तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल, अतिरिक्त प्रधान सचिव PK मिश्र और RBI के डिप्टी गवर्नर थे। इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए हमने किताब को खंगाला, 520 पन्नों की किताब। इसमें कई और प्रसंग हैं। इस प्रसंग पर आपने अखबारों में खूब सुना होगा कि बात इस पर हो रही थी कि RBI अपने फंड से भारत सरकार को कितनी राशि देगा, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके समर्थकों के मुताबिक ये लगा कि RBI इस अतिरिक्त आय को सरकार के साथ, देश के साथ साझा क्यों नहीं कर रहा। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। 5 खंड और 30 अध्यायों में बटती इस किताब में नौकरशाह वर्सेस मंत्रालय और भी किस्से हैं। मसलन ये डायलॉग सुनिए। आपको क्या लगता है, मैं आपकी बात काट नहीं सकती, मैं काटूंगी। ये बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तब के वित्त सचिव सुभाष गर्ग को कही थी। ये उन दिनों की बात है जब NDA सरकार ने दूसरी बार चुनाव जीता ही था और अरुण जेटली के खराब स्वास्थ्य के कारण वित्त मंत्रालय का पद मिला था निर्मला सीतारामन को। नई सरकार को जुलाई 2019 में बजट पेश करना था, जिसके लिए वक्त कम बचा था, काम ज्यादा था। गर्ग का दावा है कि बजट से पहले की एक मीटिंग में जब तमाम स्टेक होल्डर से सरकार राय मशवरा कर रही थी, तब सुभाष ने बतौर वित्त सचिव उस मीटिंग का प्रोटोकॉल समझाया कि ऐसी बैठकों में वित्त मंत्री और सचिव स्टेक होल्डर से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण तो मांग सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर सरकार की मंशा जाहिर नहीं कर सकते, यहां तक कि ऐसा कोई हिंट भी नहीं दिया जा सकता। प्रायः वित्त मंत्री इस सलाह को एक औपचारिकता मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन निर्मला को गर्ग की ये बात अखर गई। उन्हें लगा कि उनके सेक्रेटरी उनका बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने आवाज में कुछ सख्ती के साथ कहा, मैं वित्त सचिव की सलाह पर अमल करूंगी, उन वित्त सचिव की बातों पर तो बिल्कुल ही जो वित्त मंत्रालय में मुझसे बड़े हैं, और मैं प्रस्तावों पर कोई चर्चा भी नहीं करूंगी। ये सुनकर सुभाष मुस्कुराकर रह गए। इसके बाद बैठक में दो और विषयों पर चर्चा होने लगी, और तभी अचानक सीतारामन गर्ग की तरफ मुड़ी और कहा, आपको क्या लगता है, मैं आपकी बात काट नहीं सकती, मैं काटूंगी। मीटिंग खत्म होते ही सुभाष निर्मला के चैम्बर में गए, कहा कि कुछ ऐसी बात हो गई हो जिससे उन्हें दुख पहुंचा हो तो मैं माफी मांगता हूं। पर निर्मला अडिग थी, बोली, आपने मुझे मीटिंग में ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं कोई बच्ची हूं। ये भी शिकायत की कि सुभाष उन्हें लेकर मंत्रालय में लोगों से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। निर्मला यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इसकी शिकायत करने की धमकी भी दी। अब दूसरे प्रसंग की तरफ चलते हैं। जब झगड़ा बढ़ता देख अमित शाह ने अधबीच मीटिंग खत्म कर दी थी सुभाष गर्ग के किताब में किए दावों के मुताबिक। निर्मला और सुभाष का झगड़ा, इसके बारे में आपने सुना, पर यह झगड़ा सिर्फ वित्त मंत्रालय तक सीमित नहीं रहा, यह PMO द्वारा बनाए गए मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह की मीटिंग तक खिंचा। प्रधानमंत्री द्वारा बनाए मंत्री समूह की बैठक चल रही थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे गृह मंत्री, NDA 2 का ये कार्यकाल, अमित शाह।
इस मीटिंग में सुभाष ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। सुभाष का दावा है इस दौरान निर्मला पूरी तरह उदासीन थी। जब उन्हें लगा कि मेरी बातों को कुछ समर्थन मिल रहा है तो उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मैंने जो कुछ प्रेजेंट किया है वो पूरी तरह से एक तरफा और सच से कोसों दूर है। हालांकि वे साफ साफ मेरी कोई कमी नहीं बता पाई। उसके बाद वे कटुतापूर्वक मेरी शिकायत करने लगी। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने उन्हें इस मामले में पहले से ठीक जानकारी नहीं दी और उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जिसकी वो बहैसियत वित्त मंत्री हकदार थी। उन्होंने मुझ पर हर महत्वपूर्ण चीज में उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। सुभाष आगे लिखते हैं, मैंने इन सबसे इनकार किया और बताना चाहा कि उन्हें सारी बातों को लेकर लूप में रखा गया था, लेकिन जब अमित शाह ने देखा कि मीटिंग का माहौल बिगड़ रहा है तो उन्होंने अधबीच मीटिंग खत्म कर दी। पर किस्सा भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब जिक्र नोटबंदी का है। नोटबंदी पर RBI से एक सील्ड लिफाफा आया और वैसा का वैसा लौटा दिया गया। ये क्या प्रसंग है? नोटबंदी 8 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश के नाम संबोधन में घोषणा की कि अब 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। धारक को दिया वादा निष्प्रभावी होगा। उस समय विवाद उठा कि इस फैसले से पहले क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या उस समय के उसके गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की गई थी। बाद के वर्षों में रघुराम ने बयान दिया कि उन्होंने नोटबंदी को लेकर अपनी असहमति जताई थी। राजन ने यह भी कहा कि उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री कार्यालय PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक नोट भी रख छोड़ा था जिसमें उनकी राय दर्ज थी। कुछ बरस बीतते हैं, साल 2019 सांसद कुमार केतकर राज्यसभा के ये सवाल संसद में उठाते हैं कि रघुराम राजन के उस नोट में लिखा क्या गया था। केतकर ने नोटबंदी को लेकर PMO, RBI या वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार कंसेप्ट नोट की जानकारी भी मांगी। अब बारी थी इन कागजों की तलाश की। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी DEA के क्वाइन एंड करेंसी डिवीजन ने पाया कि ऐसा कोई नोट उनके रिकॉर्ड में नहीं है। RBI और PMO की तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला। जब RBI से फोन पर संपर्क किया गया तो उनके तत्कालीन जो उस समय संबंधित थे चीफ जनरल मैनेजर यानी CGM, उन्होंने बताया कि RBI सुभाष गर्ग को सीलबंद लिफाफे में जानकारी देगा। सुभाष को समझ नहीं आ रहा था कि RBI संसद में पूछे गए सवाल का औपचारिक माध्यम से जवाब देने के बजाय सीधे उन्हें लिफाफे में क्या और क्यों भेज रहा है। इसके बाद PMO से प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने सुभाष को फोन किया और पूछा कि वित्त मंत्रालय अपना जवाब किस तरह तैयार कर रहा है। उन्होंने इनफॉर्मल तरीके से सुभाष को बताया कि हो सकता है कि राजन का कोई नोट या कागज रहा हो, लेकिन अब PMO में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। जब सुभाष ने उनसे कहा कि इस मामले में तो PMO को ही वित्त मंत्रालय को तथ्य बताने हैं, तो नृपेंद्र ने कह दिया, हम रिकॉर्ड पर बता देंगे कि ऐसा कोई कंसेप्ट नोट नहीं है। बहरहाल सील लिफाफा आया, लेकिन उसमें कोई कंसेप्ट नोट या राजन की ओपिनियन जैसा कुछ नहीं था। उसमें एक नोट की कॉपी थी। ये नोट RBI के उस CGM ने तैयार किया था जो रघुराम राजन के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई उस मीटिंग में गए थे। इसमें राजन के कथित नोट पर चर्चा हुई थी। RBI द्वारा सीलबंद लिफाफे में मौजूद नोट में लिखा था कि CGM ने मीटिंग का ब्यौरा रिकॉर्ड किया, रघुराम ने इस ब्यौरे को देखा और CGM को अपनी पर्सनल कस्टडी में रखने का आदेश दिया। एक साल बाद इस CGM ने PMO में हुई बैठक के ब्यौरे वाले नोट को RBI के संबंधित विभाग में गोपनीय तरीके से रखने हेतु सुपुर्द कर दिया। अब ये नोट कहीं नहीं मिल रहा था। इससे ये संकेत मिलता था कि PMO में नोटबंदी को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन क्या ये मालूम नहीं पड़ता। सुभाष ने उस लिफाफे को ज्यों का त्यों RBI को लौटा दिया। आर्थिक कार्य विभाग DEA ने रिकॉर्ड पर कुछ भी दर्ज नहीं किया, ना ही गर्ग ने RBI द्वारा भेजी जानकारी की कोई कॉपी अपने पास रखी। अंततः गर्ग ने सवाल का जवाब ड्राफ्ट किया और नृपेंद्र मिश्र को पढ़कर सुनाया भी, जिन्होंने एक हिचक के साथ हामी भर दी बतौर सुभाष गर्ग। फिर 16 जुलाई 2019 को संसद में जवाब देते हुए सरकार ने कहा, वित्त मंत्रालय के पास श्री रघुराम राजन का कोई नोट उपलब्ध नहीं है। RBI ने प्रस्ताव बनाया था जो कि कंसेप्ट नोट नहीं था, जिस पर RBI के सेंट्रल बोर्ड ने 8 नवंबर 2016 को फैसला लिया कि 500 और 1000 के नोट विमुद्रित किए जाएंगे। बकौल सुभाष, ये वित्त मंत्रालय का जवाब था। मंत्रालय ने PMO या RBI की ओर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि PMO ने तो यही कहा कि ऐसा कोई नोट उनके यहाँ नहीं है और RBI ने तो आधिकारिक रूप से जवाब दिया ही नहीं।
आरबीआई के सीजीएम की ओर से जो सीलबंद लिफाफा मिला था उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि वित्त मंत्रालय को कुछ भी जैसे कि कोई नोट दिया गया है। सुभाष ने निर्मला सीतारामन को इस किताब के जन्म के लिए धन्यवाद भी दिया आखिर में। क्यों? क्योंकि बकौल सुभाष निर्मला ने ही उन्हें नॉर्थ ब्लॉक से बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि उन्होंने 2019 की जुलाई में ही वीआरएस यानी समय से पहले और स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया था। हम एक वाक्य के साथ आपको छोड़ जाते हैं। निर्मला ने बकौल सुभाष गर्ग एक अवसर पर लगभग चिल्लाते हुए मीटिंग में कहा था, जिसके जो जी में आए मेरे बारे में अपने मेमोर्स यानी संस्मरणों में लिख सकता है। लगता है सुभाष ने इस बात को गंभीरता से ले लिया। पॉलिटिकल किस्सों में सत्ता के गलियारों की और गर्भगृहों की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ।